स्टेम सेल से हमने नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट बहुत ज़्यादा ट्रीट किए हैं। आज हमारे पास एक एग्जांपल है मिस्टर शामसुद्दीन अबलो, जिनका नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ साथ बैक का भी मसला था, जिसको शियाटिका कहा जाता है। उनका सिवियर प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ थी वो काफ़ी डिस्टर्ब हो रही थी। मेरा नाम शमसुद्दीन अबलो है और मैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई एजुकेशन आई ज्वाइन एजुकेशन डिपार्टमेंट। मेरे जो और फैमिली मेम्बर्स हैं उसमें 9 डॉक्टर्स हैं, जिसमें मेरा बेटा एनेस्थेसिस्ट है। एनीवे आई वाज वेरी एक्टिव एंड वेरी स्मार्ट एंड वर्किंग वेरी हार्ड डे एंड नाइट। अचानक ये मुझे अचानक एक मरतबा ऐसा हुआ कि मैं 2-3 मरतबा गिर गया, और जिसमें मुझे तकलीफ़ हुई घुटनों की और कमर की। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों के पास गया और उनसे बातचीत वगैरह की। उन्होंने सजेस्ट किया कि इसकी आपकी ऑपरेशन होगी, लेकिन मेरे बेटे ने इतफाक़ नहीं किया। और चूँकि मैं एजुकेशन में रहा हूँ तो मेरे डॉक्टर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो उन्होंने भी मना किया कि इसके चांसेस आपके बहुत कम हैं, गो फॉर द लेटेस्ट ट्रीटमेंट। इस सिलसिले में धक्के खाते रहा कराची में और पूरे पाकिस्तान में, इवन एब्रॉड, ताकि लोगों ने कुछ भेजते रहे कि आर्थोपेटिक सर्जन के पास भेजे, कुछ ने न्यूरो फिजिशियंस के पास भेजा, किसी ने न्यूरो सर्जन के पास भेजा, और मुख्तलिफ जगहें और ट्रीटमेंट्स, और हर एक अपनी अपनी दुकान चमकाने के लिए तैयार रहा। लेकिन चूंकि ये मर्ज बढ़ता रहा और फिर मेरी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जॉब, और उसमें ट्रांसपोर्टर से मेरा वास्ता ताल्लुकात, और वहाँ सीढ़ियाँ और वहाँ से ये है, तो मुझे आखिर कोलैप्स होना ही था। डॉक्टर सलमान का मैंने देखा सोशल मीडिया में, और डॉक्टर सनोबर साहब का देखा, और यहाँ की टीम का देखा, तो मैंने कहा कि देख रहे हैं आजमाइश कर लेते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है अगर आजमाने में। क्योंकि मिस्टर आबरू जदीद जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी पे बिलीव करते थे, तो उन्होंने स्टम्पसेस के बारे में रिसर्च की और हमारे पास कंसल्टेशन में आए। हमारे कंसल्टेंट के साथ कंसल्ट किया और उनको ये हमने उम्मीद दिलाई कि वो इस ट्रीटमेंट से, स्टम्पसेस ट्रीटमेंट से बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। 2 महीने हो चुके हैं मिस्टर शमसुद्दीन अबलू के स्टम्पसेस करे, और अब उनका जो रिज़ल्ट है वो 70-80% अराउंड है। इनकी मोबिलिटी भी काफ़ी बेहतर हो गई, इनका पेन भी काफ़ी बेहतर है, और जो इनकी प्रोफेशनल लाइफ है वो अपनी जॉब को भी उन्होंने कैरी ऑन किया हुआ है। तो अब उनकी अल्हम्दुलिल्लाह वो जो पहले प्रॉब्लम थी स्टम्पसेस प्रोसीजर करने से पहले, फिजियोथेरेपी करने से पहले, वो इनकी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुकी है। अब जो है 60-70% इसमें इम्प्रूवमेंट है। जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आफ्टर विद इन फ्यू मंथ्स, 2-3 मंथ्स, इट विल टेक मोर टाइम टू गेट द रिजल्ट ऑफ 100%। उस सिलसिले में उन्होंने मुझे फिजियोथेरेपी पे रखा है कि फिजियोथेरेपी आपकी रेगुलर रहेगी, और उसके बाद अगर घर में होने पड़े तो आपको घर में भी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो अभी मैं बाकायदा उसी तरीके से जाऊँगा, अपने फूड का भी ख्याल रखूँगा, एक्सरसाइज का ख्याल रखूँगा, अपने लाइफ स्टाइल को बिल्कुल ही उस तरीके से रखूंगा जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने कहा है। मैंने जहां तक मालूम किया है कि इनका फाइनेंशियल एस्पेक्ट नहीं है, ये मेन नहीं है, वो एक सपोर्ट में है कि पैसा देता है या कुछ करता है, लेकिन असल जो इनका मेन ऑब्जेक्टिव है, वो मेन ऑब्जेक्टिव इज द पेशेंट्स रिकवरी, इमीडिएट रिकवरी, और उसको नजर आए, उसको पेशेंट को महसूस हो कि मुझे कुछ फायदा हो रहा है। जिसके एंकर्स का प्रॉब्लम है, जिनको कमर का प्रॉब्लम है, जिसको स्पाइन का प्रॉब्लम है, जिसको अपना घुटनों का प्रॉब्लम है, ये सारे जिनको पट्ठों का प्रॉब्लम है, उसके लिए ये तो मैं सजेस्ट करूँगा, रिकमेंड करूँगा कि ऐसे पेशेंट्स यहाँ आए और गाइडेंस वगैरह लें, रहनुमाई लें। रहनुमाई में तो कोई खर्चा नहीं है। मैं 70-60% बेहतर समझ रहा हूँ। मैं ऑफिस के काम भी कर सकता हूँ अभी, आस्ता आस्ता इम्प्रूवमेंट। ये मर्ज ऐसा है जिसमें स्लोली एंड ग्रेजुअली जो इस तरीके से फ़ायदा होगा, जो हमारी पिछली ज़िंदगी जो बाकी रह गई वो कुछ अच्छे तरीके से गुजरे, इंशाल्लाह। अल्लाह ताला करे कि हम मर्ज से निजात पाएंगे।